बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों की बात की जाए तो वाकई में उम्र नहीं होती इनकी मोहब्बत की कहानी की। आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में एक बड़े एक्टर के बारे में जिन्होंने 56 की उम्र में शादी की है और वो तस्वीरें हो रही है वायरल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश राज के बारे में। जी हाँ, दोबारा शादी पर उन्होंने कहा, हमने आजाद फिर से शादी की है, हमारा बेटा वेदांत हमारी शादी देखना चाहता था, फैमिली मोमेंट के लिए हमने शादी कर ली है। 24 अगस्त की तारीख को प्रकाश ने अपनी पत्नी पूनी वर्मी के साथ शादी के रिश्ते को 11 साल पूरा होने पर दोबारा शादी कर ली है। जी हाँ, बहुत ही बड़े शानदार एक्टर हैं प्रकाश राज। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की है और कहा है कि हमें खुशी हुई है, अपनी शादी दोबारा से निभाने का मौका हमें मिला है। इसी के साथ साथ बहुत ही लवली मोमेंट उन्होंने शेयर की है। ये आपको हम बताना चाहेंगे कि ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कहा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा साथ मैंने पाया है। उनकी वो पत्नी की बात की जाए तो वो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी भी दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रकाश बहुत खुश हैं और वो अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर निभा रहे हैं। साल 2010 में उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए प्रकाश राज अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते नजर आए। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ की भी बड़ी फिल्मों में प्रकाश राज ने काम किया है और तेलुगु फिल्मों में तो उनका जवाब ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है। दूसरी शादी उन्होंने पोनी से की थी। 29 साल की फिल्मी करियर में 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रकाश राज के बारे में बात कर चुके हैं कि 6 बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बैन कर चुकी है कुछ उनकी फिल्मों को, जिसे लेकर वो काफ़ी विवाद रहे। लेकिन साल 1994 में जिस तमिल अभिनेत्री ललिता कुमारी से उन्होंने शादी की, इस शादी के बाद 3 बच्चे उनके हुए थे। साल 2004 में उनके बेटे के निधन के बाद दो बेटियों के नाम मेघना और पूजा के बारे में बात की जाए तो बहुत खुश है। एक बेटे का नाम सिद्धू है। साल 2009 में प्रकाश ललिता अलग हो गए थे। इसके बाद दूसरी शादी उन्होंने साल 2010 में पोनी के साथ की थी। नेक्स्ट लाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।